अल्लाह के फ़ल से आज 9 ज़ुलहिज्जतुल्हराम को हम मैदान अरफात में मौजूद हैं और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जिस अमल को किया बस वही अमल ही सारी इबादत बन गया। और आज आका अलैहिस्सलाम ने वुकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म अदा किया। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के वक्त के मुताबिक 12:23 पे ज़ोर का वक्त शुरू हुआ, यानी हम तमाम अल्लाह की वजह से हाजी बन गए। और अल्लाह का करम यह है कि अल्लाह ताला ने हमें यह सआदत दी है कि अल्लाह ताला ने हज का शर्फ दिया। दुआ कीजिए अल्लाह आगे का सफ़र आसान फरमाए। और सबसे खूबसूरत बात जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाहगार वो है जो मैदान अरफात में आने के बाद भी ये समझे कि उसकी बख्शिश नहीं हुई। यकीनन ये अल्लाह का फजल है, हम बख्श दिए गए। अल्लाह पाक मेरे आका के सारे गुनाहों को बख्शे, हमारा आगे का सफ़र आसान करे। गर्मी ज़्यादा है इसलिए भी अंदर हैं, वरना इंशाल्लाह सरकार की वो सुन्नत भी अदा करेंगे, खुले आसमान में जा करके इंशाल्लाह हम दुआएं भी करेंगे, आप सब के लिए दुआ करेंगे, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक वतन को सलामत रखे, जितने देखने वाले सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, अल्लाह सबको सलामत रखे। और कम अज़ कम एक बार अल्लाह ताला ज़रूर हज की हज मकबूल और मकबूल की सआदत दे। और अभी से दिल ये कर रहा है कि जल्दी से मदीने पाक में पहुँच जाए इंशाल्लाह। अल्लाह।